दादा जी नाम क्या है आपका? पूरन लाल। क्या करते हैं पूरन लाल जी? खेती वेती है? हो अब तो परिवार के लोग देखते होंगे आप तो आराम करते हो। हम तो कुछ नहीं कर रहे। अब आराम कितनी है जमीन अपने पास? अरे थोड़ी सी है। कितनी? तो 20-25 एकड़। 20-25 एकड़ ठीक है। फिर भी क्या इस बार फसल तो खराब हो गई? हाँ। फिर भगवान पे का जोर है यार, जा बताओ। हाँ ये सही है कि भगवान पे किसका जोर है, ये कायदे की बात है। अभी तक लोग कहते हैं वो सरकार ने, लेकिन दादा कह रहे हैं कि भगवान का पे किसका जोर है। तो अब ये वाली जो फसल है इससे उम्मीद है कुछ? अब कर रहे हैं तैयारी। पानी वानी तो अभी ज्यादा गिरा नहीं है, तो जो पानी देते हैं फसल में उसकी भी परेशानी दिखेगी? और का है, अब कुओं से नाले से कर रहे हैं। अच्छा, आपके इलाके सुर्खी विधानसभा में आता है सेमरढाना, तो चुनाव आ गया, उपचुनाव यहाँ पे क्या लग रहा है चुनाव में दादा? अब भैया जा हम नहीं आने। क्यों? हम तो इधर से निकल पड़े सुना था, अपन तो घर देख फुर्सत। इस बार मतलब चुनाव के बारे में तो आप भगवान का भी नहीं कह रहा, फसल का तो कह दिया था आपने कि भगवान पे किसका जोर है। चुनाव में भगवान का भी जोर नहीं है? चुनाव में तो भगवान जनता ही भगवान होती है ना। हम आज बदलेगा ना अपन तो दूर। अच्छा एक बार यहाँ से विट्ठल भाई पटेल चुनाव लड़ते थे, लक्ष्मीनारायण यादव और ही पुराने नेता यहाँ से चुनाव लड़ते, तो आपने सबके चुनाव तो देखे होंगे ना? हाँ। आपको कौन सा चुनाव सबसे ज्यादा याद आता है यार? मैं सबसे अच्छा नेता कौन लगता है आपको अभी तक, जो आपकी उम्र से लेके अब तक? अभी तक हाँ विट्ठल भाई का ही कोनो नेता नहीं हो हमारे क्षेत्र में। क्यों? विट्ठल भाई में ऐसी क्या खासियत थी? हती क्या बेचारे खुद चल के और खुद काम करवा के देते किसानों को। हो वे पहले एक जल मंत्री रहे, उसके बाद में विद्यालय मंत्री रहे, हम उनने सब ने काम करवाए, स्कूलें बनवाई, अच्छे रहे। हाँ जो विट्ठल भाई का नाम आज भी क्षेत्र में चल है, उनका ही नेता नहीं भाव ये क्षेत्र में कौन। अब कोई ऐसा नजर नहीं आता कोई नेता के जो विट्ठल भाई की कमी पूरी कर सके? अब आप कह सका आप नहीं कह सकते